ओम शांति। अच्छी तरह से बोला, दिल से बोला, ओम शांति। फिर से बोलो, ओम शांति। हम आत्माओं का स्वधर्म है, स्व स्वरूप है। अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप को देखो कि आत्मा में कोई आवाज है, मन बुद्धि है, पर आत्मा में मुख नहीं है। मन बुद्धि आत्मा का अंग है, जब देह में आती है तब मुख का आधार लेके आत्मा बोलती है। तो हम सब जब साकार में बैठे हैं तो हम अपने स्वरूप की पहचान देते हैं, ओम शांति। अर्थ यह है कि अहम आत्मा शांति स्वरूप हूं। शांति आत्मा का स्वधर्म और स्वस्वरूप है। अगर हम स्मृति में रहें तो हमारे चित्त में सदा शांति रहेगी। अशांति हमारे पास आ नहीं सकती है, क्योंकि हमने शांति का कवच पहन लिया तो माया का गोला लग नहीं सकता है। तो आप भी इस बात का नित्य प्रत अभ्यास करेंगे, अमृत वेले उठ करके, उठते हैं ना या तो दो तीन दिन से, तो अमृत वेले उठ करके बार बार ये चिंतन करें, मैं कौन हूं, मैं ये देह हूं। देखो क्या अंदर से जवाब आता है, देह मेरी है या मैं देह हूं? तो जवाब आएगा मेरी देह है। तो मेरी देह है तो मैं इस देह के अंदर विराजमान, ब्रह्मकुटी के बीच में विराजमान, अजर अमर अविनाशी आत्मा, चेतन ज्योति हूं, मन बुद्धि सहित हूं। मैं इन कर्म इंद्रों के द्वारा कर्म करती हूं, चाहूं तो बोलूं, न चाहूं तो मुख मेरा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति टोटल जर है। मैं चेतन विराजमान हूं तो मुख के द्वारा बोलती हूं, आंखों के द्वारा देखती हूं और कानों के द्वारा सुनती हूं। परंतु मैं आत्मा निकल जाऊं तो ये शरीर इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई काम का नहीं। 10 बंदे उठाएंगे तब उठेगा। अभी तो मैं विराजमान हूं तो मैं खुद अपने रथ को उड़ा सकती हूँ, दौरी पहन सकती हूँ। कितने भी बड़े कार्य हम कर सकते हैं, मत रख करके करते ही रहते हैं। तो आत्मा भले सूक्ष्म चेतन ज्योति है, परंतु देह में विराजमान होने से इसे देह के द्वारा, कर्म इंद्रों के द्वारा सब काम वही कराती है। मैं आत्मा देख रही हूं आंखों के द्वारा, आंखें नहीं देखती, पर मैं आत्मा देख रही हूं आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा मैं सुन रही हूं, मुख के द्वारा मैं बोल रही हूं। ये सब मेरी कर्म इंद्रियां हैं, कर्म करने के लिए मिली हुई हैं। परंतु कौन सा कर्म कराना चाहिए, इससे पाप भी हो सकता है, इससे पुण्य भी हो सकता है। पाँव को पाप के तरफ भी ले जा सकते तो पुण्य के तरफ भी ले जा सकते, मुख के द्वारा गंध भी बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़े के कुवचन और ज्ञान अमृत की वर्षा भी मुख के द्वारा करते हैं। दृष्टि के द्वारा देह को भी देख सकते हो, परंतु आत्मा को भी हमें इस दृष्टि के द्वारा ही देखते हैं, महसूस करते ये आत्मा देख रही है। आप सब विराजमान हो आत्माएं, अपनी अपनी रथ पर विराजमान हो, तो हम ये देख रहे हैं कि आत्मा ही विराजमान है। अगर आत्मा एक सेकंड निकल जाए तो ये रथ जैसे बैठा हुआ वैसे बैठ नहीं सकेगा, ऐसा हो जाए, क्योंकि चेतनता निकल गई। शरीर तो है ही जर, वो अपने आप ऐसे बैठ नहीं सकता है, हिल जाएगा। आत्मा के निकलने से ही शरीर हिल जाएगा। तो शरीर के भान को खत्म करने के लिए
हम बार बार यही अभ्यास करते हैं कि मैं चेतन ज्योति आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं और शांति स्वरूप हूं। बार बार ये चिंतन चले अंदर, मैं शुद्ध स्वरूप हूं और शांति स्वरूप हूं, परंतु हूं मैं चेतन ज्योति बिंदु, ब्रह्मकुटी के बीच में विराजमान होके मैं अपने सर्व कर्मेंद्र से कार्य करती हूं। पर मैं निकल जाऊं तो ये जर कर्मेंद्र कुछ काम नहीं करेंगी, ऐसे कैसे। तो चेतनता में बहुत बड़ी शक्ति है, इतने बड़े बड़े मकान कौन बनाता है, कहेंगे मनुष्य, पर मनुष्य में कौन है, आत्मा। आत्मा से शरीर काम करता है, दोनों मिलकर के काम करते हैं। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं, इतना बड़ा रथ कोई काम का नहीं, 10 बंदे उठाते तो मुश्किल से उठता, कांधा देके जाते हैं तो गरी गरी कांधा चेंज करते हैं, हम अपने पांव से चलते हैं तो हमको चेंज करने की दरकार नहीं। मैं आत्मा विराजमान हूं, मेरा शरीर है, मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर, दौरी पहनना चाहूं, स्लो चलना चाहूं, जैसे भी चलना चाहूं मैं चल सकती हूं। तो ये आत्मा का पाठ अच्छी तरह से यहां पक्का कराया जाता है, और आत्मक भाव से देखो ये सब आत्माएं दिख रही है। इसमें इस चोले के अंदर देखेंगे तो हमको भिन्नता नजर आएंगी, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये पारसी, बिना बिना धर्म के जो लेबल लगे हुए ना वो बुद्धि में आएंगे। परंतु हम थोड़ा सुख में जाते सबके अंदर आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो भाई भाई की दृष्टि से, रूहानी दृष्टि से हम एक दो को देखते हैं। इसे ये देह का भान, तो भेदभाव का वो सब भान खत्म हो जाता है। जो हम लोग कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आ गई हैं, परंतु आत्मा में हिंदू मुसलमान का कोई चिन्ह नहीं है। आत्मा चेतन ज्योति है, वो भी मुसलमान की आत्मा भी चेतन ज्योति, हिंदू की आत्मा भी चेतन ज्योति, सब चेतन ज्योति आत्मा है, और सब शुद्ध है और सब शांति स्वरूप है, सब परमात्मा की संतान, सब परम धाम से आई हुई है, धाम सबका एक है, बाप सबका एक है, स्वरूप सबका एक जैसा है, एक नहीं कहेंगे पर एक जैसा है, पर संस्कारों में भिन्नता है। भिन्नता होने के कारण किसी को क्या चीज अच्छी लगती है, किसी को क्या चीज अच्छी लगती है। एक थाली के अंदर हम वैरायटी माल रख देते हैं, नमकीन भी रख देते हैं, मीठा भी रखते हैं, खट्टा भी रखते हैं, हाँ गोलगप्पे जैसी खट्टी चीज वो भी रख लेते हैं, और नमकीन चीजें भी अच्छी और मीठी भी। फिर हम कहते हैं भाई शुरू करो खाना। आप देखो वैरायटी आत्मा होने के कारण कोई किस चीज को पहले उठाएगा, कोई किस चीज को पहले उठाएगा, जिसको जो चीज अच्छी लगेगी तो सबसे पहले उसी चीज को उठा के खाएगा, सब एक जैसी चीज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आत्मा के संस्कारों में भिन्नता है। भिन्नता के कारण ही हमारा पाठ अलग अलग है, हमारा कर्म धर्म अलग है। फिर हम किसी संगम में आ गए तो संगम हमारा अच्छा हुआ बचपन से ही, तो हम अच्छे संगम में आ गए। कोई का संग बुरा होता है तो वो जाते जाते वो संग ऐसा पकड़ लेता है जो खुद ही बुरा हो जाता है। तो संग का रंग लगता है, इसलिए कोई बच्चा अच्छे घर में जन्म लेता है तो वो अच्छा बन जाता है, बुरा भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि सारे घर वाले अच्छे हैं, वाइब्रेशन टोटली अच्छा है, सब में सुधारने की शक्ति है। परंतु कोई बच्चा ऐसा है, भले अच्छा है परंतु किसी ऐसे के संग में उनको रहना पड़ता है मजबूरन भी, तो उसका रंग उसके ऊपर चढ़ता जाता है। वो आलसी होगा तो वो भी आलसी हो जाएगा,
वो शराब पीता रहेगा ना, दो बारी तीन बारी देखेगा ये बोतल उठा के पीता है तो उसको भी आकर्षण होंगे, मैं भी पी के देखूं। बस देखा और फंस गया। ऐसे कई लोग बस फंस जाते हैं, देभान में आ जाते हैं, विकारी आकर्षण में आ जाते हैं। तो इस विद्यालय की मेन शिक्षा है मानस से हम देवता कैसे बने। आपको वो असंभव शब्द लगता होगा, देवता, देवता तो पता नहीं कहां रहती है कैसे रहती है, पर देवता माना है जिसमें दैवी गुण हो। होते वो भी मनुष्य है, लक्ष्मी नारायण मनुष्य नहीं, राधे कृष्ण मनुष्य नहीं, सभी मनुष्य है, पर उनमें दिव्य गुण है इसलिए हम उनको देवता कहते हैं। उसमें सुख शांति पवित्रता है, प्रेम है, दुख अशांति का नाम निशान नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम निशान, देह का अहंकार नहीं। मैं देवता हूं वो कहते नहीं है, पर देवता ही संस्कार उनके शो होते। तो संसार में हम आए हैं अपना अच्छा पार्ट बजाने के लिए आए, अच्छे से अच्छा पार्ट, ऐसा अच्छा हो जो तुम्हारा दिल खुश रहे सदा, करने के बाद पश्चाताप न उठे ये मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा शब्द इसको क्यों बोला, बेचारा दुखी हो गया, मैंने थोड़ी सी गफलत की मेरे से निकल गया। तो कोई होता है जो जल्दी महसूस करके माफी मांग लेता है तो उसकी बात खत्म हो जाती है, अगर वो माफी न मांगे कहेंगे क्या हुआ, कहा तो क्या हुआ भला, क्या फर्क पड़ा, ये क्यों फील करता है, ये देह अभिमान से फिर देह अभिमान टकरता है, एक में देह अभिमान है तो दूसरे को भी ऐसा ख्याल आता है, अभिमान वैसे दोनों आपस में लड़ते हैं। पर एक निर्माण हो और एक भली ऐसी वृत्ति वाला हो तो निर्माण की जीत हो जाएगी, उसके स्वभाव में सरलता मीठापन होता है, द्वैत भाव नहीं होता है। तो इस विद्यालय का लक्ष्य है कि मनुष्य से देवता कैसे बने, हमारी वृत्ति अच्छी, दृष्टि अच्छी, फिर बोल अच्छा, फिर कर्म अच्छा। जितना हम इन कर्म इंद्रियों से अच्छा बीज बोएंगे, बीज बोना माना कर्म करना, कर्म तो किसी के साथ ही करेंगे ना, मैं बोल रही हूँ किसी के सामने तो बोल रही हूँ ना, तो इतने सब मेरे इस कर्म के साथ ही है, मैं सुनाने वाली आप सब सुनने वाले। परंतु दूसरा भी कर्म ऐसा होता है जो कोई करता है ना तो एक दो के साथ मिलकर के करते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं, तो वो भी साथी हो गए। पर ऐसे साथियों के साथ में रहते कैसे हम अपनी रूहानियत में रहें, उस बेहद के प्यार में रहे, नशे में रहे, जो हमारे जीवन की धारणा अच्छी रहे, तो ये विद्यालय सिखलाता है कि मनुष्य से देव बन जाओ, दैवी गुणों को धारण करो, बुराई को छोड़ दो, पर चिंतन पतन की जड़ है उसको छोड़ दो, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। जितना जितना आत्म चिंतन करते जाएंगे, स्वचिंतन करते जाएंगे, जैसे सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे, तो क्यों ना हम अपनी बुराइयों को आप ही निकालें। संग दोष में आ गई है, वातावरण है ना टोटल, कलयुग है ना, कोई सत्योग में तो नहीं बैठे हैं। सत्योग माना ही सत्व प्रधान दुनिया, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर इतनी तामसी बातें हो, परंतु कलयुग है तमो प्रधान, तो उसमें तो सबकी तामसी बातें हैं, खान पान अशुद्ध, संग अशुद्ध, कर्म सबके अशुद्ध, तो अशुद्ध कर्मों का फिर अशुद्ध रंग लग जाते हैं, जिसमें आत्मा उदास होती है, परेशान होती है, सुख का अनुभव नहीं करती, सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं, धन दौलत है पर सुख नहीं, क्यों कि मन उनका और तरफ भटकता है, मन अपने कंट्रोल में नहीं है, बुराइयां वो छोड़ नहीं सकता है, और संग में रहते तो बुराई लग जाती है, तो बुरे संग से हम बुरे बन जाते हैं और अच्छे संग से हम ऑटोमेटिकली अच्छे बनते हैं।
हम इतने सालों से कौन से संग में रहे हैं, हम तो कहते हमको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए, क्यों बचपन से इस संग में आ गए। संग में जो हमारी दिनचर्या बनी, जो हमारी धारणाएं बनी, जो हमारे कर्म बने, सब अच्छे थे, अच्छे अच्छे थे, अच्छे। फिर हमारे माता पिता जो हमारे ऊपर, वो भी अच्छे। फिर हमारी सखियां सहेलियां सब अच्छी। फिर जहां जिस सेंटर में जाते हैं वहां भी सेवा करते हैं, तो सेवा करते करते हम उन लोगों को भी ऐसा बना लेते हैं, तो चारों ओर संग अच्छा मिलता। अच्छे संग से हम बुरी बातों से छूट जाते हैं। तो कैसे हम अपना अच्छा संग रखें, दूसरों को भी लगे कि भाई ये देखो ये हमारे साथ में रहते हैं ना, हमारे ऊपर इनका इतना प्रभाव है, ये उठता है तो हम उठ जाते हैं, एक जैसे खाता है तो हम भी ऐसे ही खाते हैं, ये जैसे चलता है हमारे अंदर में आता है हम भी ऐसे चले, तो संग का रंग लग जाता है। वो कहता कुछ नहीं है, एक माना कोई भी विद्यार्थी किसी के कमरे में सोता है, तो अगर होगा चुस्त उठने वाला तो उसको देख करके उसने बिस्तरा छोड़ा और स्नान पानी किया, फ्रेश होकर बाहर निकला, वो देखेगा ना उनको शर्म आएगा, कहेगा ये तो उठ के स्नान करके जा भी रहा, मैं सोया हुआ हूं, तो उसको शर्म आएगा। वो दूसरे दिन अपनी तैयारी करेगा, मैं भी इसके साथ साथ ऐसा बनू, परंतु जो सुस्त होगा ना बड़ा, तो हम आंख खोल करके देखेंगे ये उठा है या नहीं उठा है, हम कहेंगे ये अभी नहीं उठा है, तो चलो 15 मिनट ये सोया है ना, मैं भी इतना समय सो जाती। वो बोलता नहीं है कुछ, पर वो कर्म ऐसा करता है, उसके कर्मों का इतना प्रभाव पड़ता है, उनके कर्मों को देख के हम भी ऐसे बन जाते। वो उठता है तो वो बोलता नहीं है उठो, पर वो उठ करके तैयार होकर के पटापट पटापट भाग रहा है, तो हमारी आत्मा के अंदर जुझकी आ जाती है कि हम उठे अब हम भी तैयार हो जाए, शायद देरी हो गई, बहुत देरी हो गई, देखो ये तैयार होके जा रहा। तो मनुष्य अपने आप को फिर रियलाइज करता है मेरे अंदर ये कमी है, वो तैयार होके जा सकता है, वो ऐसे कर सकता है, मैं भी तो कर सकता हूं ना, फिर ऑटोमेटिकली उसमें धारणा आ जाती है। ओम शांति। अभी हमको जिस कारण बिठाया गया है, वो कारण तो आप सबको भी पता लग गया होगा कि हमें ये कहा गया है कि आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का इतिहास सुनाओ, जिसमें पिता श्री ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कैसे बना, ये ब्रह्मा कहां से आया, तो ब्रह्मा के बारे में अच्छी तरह से आज ही सब प्रश्न सुन लेना, और ये ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कैसे हुई, क्या हुआ, वो मैं आंखों देखा समाचार जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में आया है, वो मैं आप सबको सुनाने चाहती हूँ, ताकि आपको पूरी बात का पता लगे। फिर इसके बाद आपको आज अधिकार है कि आप मेरे से कुछ पूछ सकते हो, पिताश्री के बारे में या मातेश्वरी के बारे में, मैं तो कोशिश करूंगी मातेश्वरी के भी नर्सरी में आपको हिस्ट्री सुना लूं, और भी कुछ प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हो। ओम शांति। अब मैं सबसे पहले ये सुनाने चाहती हूं कि ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद सिंध में 1936 से शुरू हुई है, तो स्थापना में मेरा जो लौकिक में घर था वो बाबा के घर के पास में था, नस्तिक में था, इसलिए हम पहले ही बाबा के घर में जाया आया करते थे, तब वो दादा लेखराज था, परंतु बड़ा आदमी था, कलकत्ता में रहता था, ज्वेलर था बहुत बड़ा, आता था जाता था, साल में 2-3 बार कलकत्ता से यहाँ आता था परिवार में, हमने तो जैसे परिवार को ही लगभग देखा, बाबा को देखा पर तो बाबा के संपर्क में नहीं आए थे, क्योंकि बाबा तो बड़ा आदमी हो गए, हम तो बच्चे थे उस समय में, परंतु बाबा के परिवार की एक विशेषता थी कि बाबा खुद भी कृष्ण का भक्त था और गीता का प्रेमी था, गीता के पाठ के बगैर भोजन नहीं पान करते थे, और गीता में इतना प्यार, इतना प्यार, जैसे कि हर वक्त गीता ही बाबा के सामने है, ट्रेन में जाएगा, प्लेन में जाएगा, गीता माता को साथ में लेके जाएगा,
इस प्रकार से कृष्ण का भक्त था, परंतु उनको ये तो मालूम नहीं था कि मेरा भविष्य क्या है। आज तो मैं दादा लेखराज ज्वेलर कलकत्ते से आता जाता था, मैंने अपनी आंखों से बाबा की पास की लाइफ भी थोड़ी देखी, परंतु वो तो बहुत बड़ा आदमी था, रॉयल आदमी था, संस्कार बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े उच्च कोटि के गुरु लोग बाबा के घर में आते थे, भोजन पान करते थे, सत्संग होता रहता था हर वक्त, आज फलाने गुरु का सत्संग, आज फलाने गुरु का, आज फलाने गुरु का, तो जैसे सत्संग का एक भवन बना हुआ था। बाबा की अपनी वो बिल्डिंग थी जिसमें ये सब कारोबार चलता था। तो जब मैं आई हूं तब पहला प्रभाव बाबा को दृष्टि से ही मेरे पर ऐसा पड़ा जो दृष्टि मेरी छूटती नहीं थी, दिल करे बाबा को देखती रही देखती रही। जितना मैं देखती जाती ना उतने जैसे मेरे को उनमें से शक्ति का अनुभव होता है। फिर घर में गए तो वो जैसे बाबा की सूरत छप गई, आकर्षण थी बहुत, ठीक ईश्वरीय आकर्षण, पर हम तो छोटे बच्चे थे, इतनी पहचानने की शक्ति तो नहीं थी, तो माया की आकर्षण क्या होती है, प्रभु की आकर्षण क्या होती है, पर खिंचाव बड़ा बहुत, और लाइफ में मैं देखते देखते हमारे में चेंज आ गई, ऐसा बनने का है ये दृढ़ संकल्प हुआ। फिर तो आप जान सकते हो कि अगर कोई कन्या आज के युग में ऐसा लक्ष्य रखे मुझे ऐसा बनना है, तो माँ बाप तो छोड़ेंगे नहीं, उनके मन में और प्लान होता है कि बच्ची बड़ी हुई है, अब शादी करेंगे, अब ये होगा, अब वो होगा, वो बर घर ढूंढ रहे हैं, और हमने एक ही घर ढूंढ लिया, बस बुद्धि में आ गया हमको ऐसा ही बनना। फिर तो समझ सकते हो इसमें चलना कितना कठिन भी होता है, हमारे लिए तो सहज हो गया लेकिन लोग छोड़ते नहीं, रिश्तेदार छोड़ते नहीं, फिर अनेक प्रकार के अत्याचार किए उन्होंने, मारा पीटा, जैसे उनकी भावना तो अच्छी होती है कि हमारी बच्ची हमारे हाथ में रहे, शादी करे और संसारी जीवन व्यतीत करे, वो चाहते थे, मैं वो नहीं चाहती थी, तो जरूर घर में मतभेद होगा। फिर खैर उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जब हमारे दृढ़ विश्वास दिखा, हमारी धारणा पक्की देखी, अमृत वेले उठना, रात को कैसे सोती है कैसे उठती है, सब धारणा उन्होंने नोट की, तो समझ गया ये इस मार्ग के सिवा चल नहीं सकेंगे, अगर ये संसार में गई भी ना तो भी वो चल नहीं सकेंगी, उन्होंने खुद फील किया। फिर सभी रिश्तेदारों ने मिलकर के मेरे से पूछा कि बच्ची तुम क्या चाहती हो, तुम मारे भी खाती रहती हो, कोठियों में माँ ने बंद किया है, खाना नहीं दिया है, तो भी तुम चलती रहती हो, तो तुम क्या चाहती हो। मैं कहा मैं अपनी दैवी जीवन चाहती हूँ, पवित्र जीवन चाहती हूँ, मैं ये विकारी जीवन संसारी जीवन नहीं चाहती हूँ, बाकी आपके हाथ में हूं, मैं छोटी हूं, चाहे मारना हो चाहे प्यार करना हो, जो करना हो करो, परंतु हमको रहना इसी लाइफ में, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। फिर कितना कितना दिन कोठियों में बंद कर दिया, खाना नहीं देते थे, बार बार पूछते थे जब तुम कहेंगी मैं नहीं जाऊंगी तो तुमको खाना मिलेगा, छोटे ही थे तो ऐसे ही कहेंगे, हमने कहा मर जाएंगे तो भी नहीं कहेंगे, भले मर जाओ तुम हमको छोड़ दो, कोठी खोलो नहीं, बार बार देखो नहीं मैं हूं या नहीं हूं, मर गई तो मर गई, एकदम जैसे परमात्मा का बल था, हमने दृढ़ता से अपने जीवन का फैसला किया कि हमको बनना है तो ऐसा ही बनना। खैर एक साल डेढ़ साल लगा इसमें, फिर आकर हमारे माँ बाप ने सबने मिलकर के रह सलाह करके चिट्ठी लिख करके हमको छुट्टी कर दी कि जहां भी तुम रहना चाहो, जैसे भी रहना चाहो, जैसे भी बनना चाहो भले बनो, पर आती जाती रहना, हम भी आपके पास आते जाते रहेंगे, तुम भी आते जाते रहना। तो हमारा दरवाजा खुल गया, फिर तो हम लग गए इस पढ़ाई में, ज्ञान योग की पढ़ाई में, रेगुलर पढ़ाई पढ़ो, रोज अमृत वेले उठो तो खाता साफ होता है, कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, शक्ति आती है, संसार में जगाने की शक्ति आती है, बनाने की शक्ति आती है। तो जैसे माँ बाप की छुट्टी मिली तो हम अपने संस्था में रहने लगे, क्योंकि छोटे बच्चों को तो ऐसे रखा नहीं जाता है। फिर कराची में हम 10-12 साल रहे, बहुत सुंदर दिनचर्या, रात से लेके सुबह तक की दिनचर्या, ज्ञान योग के सिवा और कोई बात ही नहीं।
यज्ञ की सेवा करते थे, सब प्रकार के मनसा वाचा करना तीनों प्रकार की सेवाएं थी, परंतु मनसा बहुत अच्छी, बेहद में खुशी नशा जो इंसान चाहता है ना वो लाइफ हमको मिल गई। बाबा सामने आया, हमारे मम्मा सामने, परम प्यार मिल रहा है, कोई भी दुनियावी आकर्षण नहीं, कोई चीज की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती थी हमको, ये चाहिए वो चाहिए, भगवान हमको सब कुछ दे रहा है जैसे आत्मपत्र पथ हो गए। 10-12 साल बाबा ने हमारी पालना की कराची में, बाबा मम्मा, मम्मा भी थी हमारे साथ में जो इस समय नहीं है, कुमारी थी, परंतु माँ का मर्तबा उसने प्राप्त किया क्योंकि उनकी धारणाएं बहुत अच्छी थी, बुद्धि विशाल बेहद की, संस्कार इतने जैसे बड़ेपन के, आयु में तो कोई बड़ी नहीं थी जास्ती, परंतु उस संस्कार बहुत अच्छे थे, उनमें दिव्यता की शक्ति थी, मधुरता थी और सेवा का गुण था, तो सबके दिल को जीत लिया था। तो मम्मा भी छोटी एज में आई थी, मेरे से कोई 2 साल की बड़ी होंगी शायद, परंतु माँ के जो गुण थे ना वो ऐसे थे कि माँ कहने बगैर रह नहीं सकते थे, कुमारीपन में भी उसकी धारणा ऐसी थी, उनके दृष्टि से इतना रूहानी प्यार मिलता था जो हम सब बच्चे माँ माँ कह करके माँ से प्यार लेते थे, रूहानियत में रहते थे। मम्मा ने 10-12 साल हमारी बहुत अच्छी पालना की, फिर कराची में काफी समय रही ना, तो कराची के बाद फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अभी इतना साल तो तुमने ज्ञान सुना और सुनाया, अपने को समाया, परंतु तो अब तुम लोगों को सेवा के लिए बाबा बाहर भेजना चाहते हैं, जहां जाकर के तुम जनता की, आम जनता की सेवा करो। तो फिर सबसे पहले दिल्ली का स्थान, जहां हमारे रिश्तेदार भी रहते थे, बार बार बुलाते थे, तो बाबा ने कहा वहां से शुरुआत कर दो, वहां जाओ। 2 बहनें थी, हम लगभग एक जैसी थी, दोनों को बाबा ने आज्ञा दी कि दोनों ही जाओ और वहां जाकर के सेवा करो। फिर वहां रिश्तेदारों के बीच में एक एक मास रह करके उनके सारे घर वालों के अंदर इस बात का जैसे बीज डाल दिया, तो सब परिवार वाले उठने लगे, योग करने लगे, धारणा में चलने लगे, विकारों को छोड़ने लगे, एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, फिर ऐसे करते करते हम बेहद की सेवा में निकल गए कि भाई ये तो फिर भी हद की सेवा है, परिवार की, किसी जनरल स्थान पर जाएंगे तो जनरल पब्लिक सेवा कर सके। फिर दिल्ली के अंदर गौरी शंकर मंदिर है, उस मंदिर के अंदर हमने उनसे ट्रस्ट से बात करके ना मंदिर में एक कमरा ले लिया, तो कमरे में इतनी माताएं भीड़ लग गई, और माताएं जब योग में बैठती थी ध्यान में चली जाती थी, अनेक प्रकार के दिव्य दर्शन उनको होते थे। ये तो परमात्मा की मदद थी, हम बच्चों को सेवा के अर्थ निकले थे, कुछ भी हम पाई पैसा अपने साथ में नहीं लेके गए थे, हम सेवा करेंगे और हमारे को सेवा के हिसाब से जो बाबा भोजन देगा वो हम खाएंगे। तो जब हम निकले हैं तब तो ऐसे ही थे, हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं, बातचीत करके ज्ञान के उसी हिसाब से हम कमरा लेते थे, उसी हिसाब से सब प्रबंध हमको सहज सुबह मिल सकता था। फिर ऐसे वहां सेवा शुरू की ना, उसके बाद सेवाओं की काफी अच्छी वृद्धि हुई, परंतु ट्रस्टी जो थे ना मंदिर वाले, उनके अंदर आया तो हमारे मंदिर के अंदर ऊपर में माताएं आती है मंदिर का दर्शन करने, और वो सब इनकी सब चेलियां बन जाती है, माने इनके ही सेवा में लग जाती है, दोनों के अंदर जेलसी पैदा हुई। उन्होंने फिर इशारा दिया कि इतना समय आप लोग रहे, अभी आप कुछ और प्रबंध सोच लेना। फिर हमारे को एक भाई था जो जमुना के किनारे पर ले गया, तो जमुना के कंठे पर कोई के मकान तो बने हुए थे नहीं, ना हमको पता था, ना हम वाकुफ थे, दिल्ली में जमुना के कंठे पर कौन रहता है कौन है कुछ भी पता नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, मंदिर वालों ने कहा है तो हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां आपको कमरा तो दे देंगे, और बाकी आप देवियां हो, आपके तो प्रकृति दासी है, परमात्मा अपने आप आपके पास सबको भेज देते हैं। तो जब हम वहां रहे तो जिस स्थान पर ले गए ना, वहां 2 दीवारें, एक हाल कमरा होता है ना पूजा पाठ का ऐसा, उसमें 2 दीवारें तो है, बाकी 2 गेट है, इधर गेट इधर गेट,
ये दीवार तो बीच में थला सड़क बना हुआ था जहां बैठ के। तो रात जब सुबह होता था सवेर का टाइम 4 बजे का, रात्रि को ही हम सोए हैं वहां, मानो भां भां लगी पड़ी है। जमुना के कंठे पर कोई जमुना के सिवा आवाज नहीं, कोई बंदा रहता ही नहीं था जो आवाज आए इधर का उधर का बातचीत का, परंतु एक परमात्मा का बल एक भरोसा था जिस आधार पर हम वहां गए कि बाबा ने हमको भेजा है सेवा के लिए, तो अब यहां रहते हुए हमको सेवा करनी है। बाबा हमारा शिक्षक भी है, बाबा हमारा रक्षक भी है, इसलिए निर्भयता के साथ हम अभी हम सोचते हैं तो भारी लगता है, और वो टाइम ऐसा था जरा भी भारी पन लगा, बाबा ने भेजा है बस, वो जैसे शिक्षक और रक्षक हमारे ऊपर है। तो रात्रि को जब हम सोते थे तो एक बहन को हम कहते तुम आराम से सो जाओ, एक बहन जागती थी, भाई इत्तेफाक से कोई ऐसा वैसा आ जाए तो हम कम से कम अलर्ट रहेंगे तो सावधान रहेंगे। तो इतने में हम जब रोज होते थे तो एक तो वही देखा तो एक कोई ऐसा मोटा पहलवान है वैसे चक्कर लगाता हुआ चला जाता है, डंडा लगा के चला जाता है। 8-10 दिन ऐसे हुआ, हम कहते पता नहीं पैरा किसके ऊपर देता है। फिर आखिर वो दिन आया कि वो हमारे सामने आया, सुबह का समय था, वो पहलवान था, कुश्ती में उसकी जीत हो गई, तो खुशी खुशी में कुछ दूध का मटका चावल वगैरह वगैरह लेके हमारे पास आया। फिर उसने सारी बात बताई कि किस तरह से मैं रात्रि को परमात्मा का मुझे आवाज मिला कि तुम्हारे घाट पर 2 देवियां हैं, उनकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। तो मैं रोज रात्रि को चक्कर लगाता था, आपको पता लगा? हमने कहा हमको पता लगा, परंतु क्यों लगाते? क्योंकि हमने तो किसी को पैरे के लिए कहा नहीं था, तो हम निसंकल्प रहे, होगा कुछ इनका अपना प्रोग्राम, तो कहा नहीं, हमको भगवान ने कहा, इसी के कारण हम ऐसे करते थे। अब हमारी जीत हो गई है कुश्ती में, तो हम खुशी खुशी में ये लेके आए, इसको स्वीकार करो। अभी तक हमने किसी का अन्न नहीं खाया था, जहां हम रहते थे ना वहां कच्चा अन्न ले आते थे तो हम उसको पका करके खाते थे, बाकी किसी का बनाया हुआ कुछ नहीं खाते थे। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब कच्चा सामान लेके आए हैं, अभी आपको ये बनाना है, पकाना है और हमको भी खिलाना है, आपको भी खाना है, क्योंकि ये आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारी जीत हो गई इतने लोगों के बीच में। फिर हमको सब साधन दिया, हमने बनाया, फिर सबको खिलाया। फिर उन्होंने बहुतों को, सेठी लोग जो आते थे ना, उन सबको बता दिया। उसमें एक सेठियानी माता थी जो रोज टांगे में आती थी स्नान पानी करने के लिए, उनको पता लगा कि ऐसी देवियां इस घाट पर रहती है, तो उनको फील हुआ कि ऐसी देवियां छोटी एज उस घाट पर अकेली, रात्रि के समय कोई भी इनके साथ आदमी नहीं, दरवाजा भी बंद नहीं, ये कैसी रहती है? तो उसने बहुत आग्रह किया कि मैं आपको शहर के बीच में अपने मकान में रखूंगी, बड़ा भारी हाल दूंगी, जिस हाल में आप रोज सत्संग भी करो, रहो भी मेरे पास, और भोजन की व्यवस्था भी मेरे साथ, मैं ही सब कुछ करूंगी, लेकिन आप चलो। फिर हमको जाना पड़ा, हम भी तो चाहते थे शहर के बीच में जाके सेवा करें, जमुना के घाट पर सुबह को आए गए स्नान पानी करके चले गए, वो तो स्टूडेंट बन नहीं सकते थे जिनको रेगुलर बैठ करके हम कुछ पढ़ाई पढ़ा सके। फिर जब वहां दिल्ली के अंदर गए हैं, सब्जी मंडी में उसका हाल था बहुत, आज भी लाला राम स्वरूप का हाल कहते थे, तो वो मकान आज भी समझो है बना हुआ, वहां हम जाकर के रोज सत्संग करते थे और उस माता के घर में रहते थे। तो वहां तो भीड़ हो गई, बहुत लोगों का बहुत आना जाना हुआ और परमात्मा ने बहुत चमत्कार दिखाए, हम खुद भी वंडर खाते थे ये जैसे बाबा हमको मदद कर रहा है। इसमें बहुत सारी माताएं ज्ञान में पक्की हो गई, धारणा पक्की हो गई, योग पक्का हो गया, वो कहते थे कुछ भी हो जाए अब ये मकान भी छूट जाएगा लेकिन हम लोग आपको अपने साथ ही रखेंगे। तो ऐसे 1-2 साल के अंदर ही दिल्ली के अंदर ये इस सेवा का आरंभ हो गया। फिर तो अलग भी मकान लेकर के उन्होंने हम लोगों को अपने पास रखा, सब कुछ जिम्मेवारी उनकी थी, सिर्फ हम सेवा करते थे। तो सहज 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 हम सेवा करते रहे और सेवा के रिटर्न में बाबा खुद हमको मदद करता रहा।
और लोगों में वो इंदिरा गांधी तक भी हमारा चला गया समाचार कि इस प्रकार से दो देवियां आई है, यहां से आई है, वहां से आई है, ऐसा ऐसा करती है। फिर हम उनसे मिलने के लिए गए तो उसने जिक्र किया कि आप लोग क्या सिखाते हो, आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या मान्यता है, आप कहाँ से आए हो, कितने सालों से आए हो, जैसे होता है डिटेल में पूछना। फिर हमने उन लोगों को बताया। फिर नेहरू जी से भी मुलाकात हुई और उस समय भी जो भी बड़े थे नेता लोग उनसे समय पर समय मिलते रहते थे। तो दिल्ली में सेवा का आरंभ हो गया। फिर मकान किराए का लिया पहले, फिर किराए के बाद फिर अपना भी मकान मिल गया सदा के लिए, उन्होंने दे दिया तो हम वहां रहने लगे। फिर तो सेवाओं की खूब वृद्धि हुई। वृद्धि होती थी, बाबा के पास ले आते थे, माना 15-20 जने तैयार हुए धारणाओं में चले तो उनको फिर एक बार बाबा से मिलाने ले आते थे। तो जो एक बार बाबा से मिलता था ना, वो सदा के लिए बाबा का बन जाता था। मैंने तो कम सफलता जास्ती, बाबा को देखते ही उनकी धारणाएं पक्की हो जाती थी, मम्मा को देखते ही उनका प्यार इतना बढ़ जाता था जैसे बस हमको माता पिता मिल गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो सेवाओं की वृद्धि खूब हुई, अच्छी तरह से हो गई और हम लोगों को ले आते थे, फिर मिला करके बाबा से फिर ले जाते थे। तो सेंटर पिछाड़ी सेंटर, सेंटर पिछाड़ी सेंटर खुलता गया अपने आप। कोई लखनऊ से आया, उसने 4 दिन ज्ञान सुना, फिर उसने लखनऊ से जाके निमंत्रण दिया। कोई कानपुर से आया, उसने कानपुर से निमंत्रण दिया। तो ऐसे करते करते हम देखते जल्दी 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 इधर सेंटर खुला, उधर खुला, उधर खुला, उधर, चारों ओर खुलते गए। जैसे एक परमात्मा का प्लान हो, खुलता जाता है, हम देखते रहते, अनुभव करते रहते। तो ऐसे करते करते बहुत अच्छी सेवाएं बढ़ गई, चारों ओर सेवाएं बढ़ गई। लखनऊ में क्लास चालू 50-60 का, कानपुर में क्लास चालू, दिल्ली में, बॉम्बे में, चारों ओर। फिर जब इतनी सेवाओं की वृद्धि हुई तो आप समझ सकते हो कि वृद्धि के बाद क्या होता है। बाबा मम्मा से मिलना होता है तो बाबा मम्मा को भी बुलाते हैं, तो बाबा को भी 2-3 बार दिल्ली में आना पड़ा, फिर कानपुर में जाना पड़ा, लखनऊ में जाना पड़ा, क्योंकि वहां वहां बच्चे थे, बाबा के बच्चे इतने निकले जो उन्होंने सबने बाबा को अपने अपने स्थान पर निमंत्रण दिया। तो बाबा भी निकला, मम्मा भी निकली, सबने जाकर के वहां वहां सेवाएं की, मुंबई में, दिल्ली में, फिर उसके बाद कानपुर, लखनऊ, और भी कई यूपी के स्थान है, उन सब स्थानों पर सेवाएं खूब अच्छी तरह से वृद्धि को पा चुकी। तो वृद्धि को पाने के बाद फिर वो आती है मधुबन में बाबा से मिलने के लिए। तो जब वो बाबा से मिलती है तो बाबा की तो एक ही, बाप तो बाप ही है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हम तो अपने ढंग से सेवा करते थे, लेकिन जितनी करते थे उस हिसाब से तो हम समझेंगे हम ठीक ही करते हैं, पर बाबा की सेवा तो बाबा की सेवा है। बच्चों के ऊपर बाबा का प्रभाव, प्यार का प्रभाव, बाबा की पर्सनालिटी का प्रभाव, बाबा के बोल का प्रभाव, तो वो सब मजबूत हो गए। एक बार बाबा से मुलाकात हुई, वो आत्मा सब मजबूत हो गए। ऐसे होते होते हमारे सेवा केंद्र बढ़ते गए, बाबा के बच्चे भी बढ़ते गए। तो मुंबई, कानपुर, कलकत्ता, ऐसा कोई बड़ा शहर छूटा ही नहीं जहां हमारा सेवा केंद्र न खुला हो। मैंने तो कम सफलता जास्ती, अपने आप वहां सेंटर खुल रहा है, क्योंकि जिसको निश्चय हो जाता है ना, वो यहां से जाने के बाद फट से वहां से जाके निमंत्रण देता है। फिर भी बाबा ऐसे जैसे नहीं भेज देता है, पहले जाके कोई जाता है, देखता है 7 दिन का, वहां उनको ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद फिर स्वीकार करते हैं किसी का निमंत्रण। क्योंकि जीवन की बात है, हम किसी के बीच में रहें, कौन आदमी है, कैसे आदमी है, तो हम भले दुनियावी बातों में अनुभवी नहीं थे, परंतु परमात्मा की शक्ति से दिव्य बुद्धि मिली हुई थी, इससे हमको वाइब्रेशन से काम चलता था। कोई आदमी कैसा है, कोई आदमी कैसा है, वाइब्रेशन से पता लग जाता, कहां रहना है, कहां नहीं रहना है। जहां नहीं रहना होगा, टांगे में बैठे हुए भी हम निकल के आएंगे, हम कहेंगे नहीं भाई, हमारे को नहीं जमता है आपके स्थान पर अभी चलना, हम फिर आएंगे, अभी हम जाते हैं, हमारा दूसरे जगह प्रोग्राम है, हम चले जाते हैं। वाइब्रेशन आता है कि ये ठीक नहीं है, इस स्थान पर जाते ये ठीक नहीं है, बस
क्यों ठीक नहीं है, कैसा ठीक नहीं है, इतना डिटेल में कौन जाएंगे, पर वाइब्रेशन। इसलिए हमने बहुत समय सेवा की, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग घरों में भी रह करके, परंतु हमारे को किसने बचाया? हमारा खान पान शुद्ध, हमारी दिनचर्या एक्यूरेट, सुबह को उठने की दिनचर्या। फिर खान पान हम किसी के हाथ का पकाया हुआ नहीं खाते, जो लोग पका करके हमको खिलावे हम नहीं खाते। हम कहेंगे हम अपने हाथ से बना करके एक वक्त बना के रख लेंगे, वो खाएंगे ठंडा खाएंगे, पर हम अपने हाथ से बना करके खाएं तो उसमें खाना तो शुद्ध ही मिला, कोई के दूसरे का हाथ लगा नहीं, कोई मिक्सचर हुआ नहीं, कुछ प्योर खाना अपने वृत्ति से बनाओ, अपने वृत्ति से बाबा को याद करके खाओ। तो ऐसे बड़ा सेफ्टी से हमारे 10-12 साल सेवाओं में अच्छी तरह से बीते, 10-12 से भी अधिक। फिर सेवा में जाते हैं, फिर बाबा के पास आते हैं ले करके, जिनको ले आते हैं वो पक्के हो जाते तो और मदद करते हैं। तो ऐसे करते करते काफी सारे सेवा केंद्र खुल गए, इतने सेवा केंद्र खुले तो इतने बाबा के बच्चे बड़े, सेंटर भी बड़े बड़े होते गए, छोटे छोटे सेंटर उसे बड़े बड़े सेंटर हो गए। तो बाबा के पास आना माना छाप लग जाती थी, बाप को पहचान लिया तो बस सदा के लिए छाप लगी, और उन्होंने सदा के लिए सहयोग देने के लिए वायदा किया कि हम लिख करके देते हैं कि मैं हम इन दो बहनों को अपने पास अपने ही प्रबंध से रखेंगे और इनकी पूरी जिम्मेवारी हम ले लेते हैं। तो लिख करके मातेश्वरी पिताजी को भेज देते थे, उसके बाद फिर हमको छुट्टी मिलती थी। फिर भी हम सदा स्वतंत्र रहते थे, परतंत्र नहीं, उनके गुलाम होकर के नहीं रहते थे, क्योंकि खाना पीना भी अपने हाथ से बना के खाते हैं, सिंपल। वो माल तमाशा ये बनाते हैं जैसे, वो तो नहीं खाते, सिंपल साधना वाला खाना, साधना करते रहते थे, दिनचर्या एक्यूरेट, धारणा एक्यूरेट। इसलिए बहुत सेफ्टी से हमने 12-14 साल सेवाओं में बिताया, परंतु साल में एक दो बार बाबा के पास उन सब आत्माओं को लेके आते थे। फिर बाबा कहता था मुस्कुरा करके, तो हम तो अभी 2-4 सेंटर खोले होंगे ना, तो हम समझेंगे हमने तो बहुत सेंटर खोले, 4 सेंटर हो गए हैं। पर बाबा कहते बस बची, तो बाबा अभी कितने खोलेंगे सेंटर? बच्ची तुमको तो सारे भारत देश को जगाना है, जगह जगह तुम्हारे सेंटर खुलेंगे, गांव गांव में तुम्हारे सेंटर खुलेंगे। तो हम सोच नहीं सकते गांव गांव में, हम थोड़ी सी बहने कहां कहां गांव गांव में जाएंगे, कैसे सेंटर खुलेंगे? परंतु आज आप देख रहे हो, आज हमारे हजारों सेंटर्स है, हजारों भाई बहन है, कुमारियां कितनी, 10,000 के लगभग तो कुमारियां सरेंडर हो गए, क्योंकि जीवन को देख करके दूसरा भी जीवन देता है। निश्चय बुद्धि होकर के फिर इसी धारणा में हम चल रहे हैं, हमारे पीछे और भी सारा झाड़। तो बाबा से मिलने आती है तो बाबा से एक मुलाकात होगी तो बाबा के हो गए बस, फिर मेहनत नहीं। शुरुआत में सहन करना पड़ा, लोग नहीं जानते थे ये दादा लेखराज कौन है, उनको तो बुद्धि में ये था ना ये सिंधी है, दादा लेखराज है, ज्वेलर है, धंधा छोर के ये धंधा चालू किया, तो लोग ने मुखालफत बहुत की, पर बाबा का अचल अडोल ईश्वर का हाथ साथ, तो बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं बच्ची ये विघ्न तो आएंगे, परंतु तुम्हारी विजय हुई पड़ी है, तुम्हारी विजय हुई पड़ी, निश्चय जानो कि कोई भी ऐसी बात नहीं होंगी जिसमें तुम बच्चे फेल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा शिक्षक और रक्षक शिव बाबा है। तो बाबा सिर्फ 15 दिन में 20 दिन में एक पत्र हमको भेज देते हैं, हम भी रोज समाचार देते थे बाबा को। तो बाबा ने रूहानी पालना की है, दूर बैठे भी हम अकेले हैं, कोई साथी संगी नहीं है, कोई पैसे का फोर्स नहीं है, कोई शाहूकार का हाथ नहीं, कोई और बल नहीं है, एक ईश्वरीय बल के आधार से हम लोगों ने सेवाओं को शुरू किया। तो सेवाओं की वृद्धि होते 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 आज बाबा कहते आगे चल करके बच्ची देखो तुम्हारे तो 108 सेंटर खोलेंगे, जब कहा था तब उसको कितने साल हो गए, 108, तो हमारे से तो रिजर ने कहा 108 बाबा 108, हाँ बच्ची हाँ, आज 108 से ऊपर सेंटर दिख रहे, हजारों में सेंटर,
हजारों में समर्पण मैंने, तो ये सब परमात्मा का कार्य है, मेरा अपना नहीं, किसी और व्यक्ति का नहीं, बाबा ब्रह्मा का भी नहीं, शिव बाबा का कार्य। शिव बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया, तो ब्रह्मा भी पहले ब्रह्मा था थोड़ी, दादा लिख रहा था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा की लाइफ में चेंज आ गई, बिल्कुल रात दिन का फर्क पड़ गया। कल वो दादा लेखराज है, बाल बच्चों में, पोत्रों दोत्रों में, बिजनेस में, ज्वेलर, और आज सब बातें छूट गई, बस एक ही धंधा रूहानी कि बच्चों का कल्याण करना है और बच्चों को स्वर्ग ले जाना है। तो बाबा को भी ये विनाश का साक्षात्कार हुआ, कलयुग की दुनिया का कैसे विनाश हो रहा है, सिविल वॉर में कैसे मनुष्य मरते जा रहे हैं, कुदरती आपदाओं में कैसे मनुष्य मरते जलते जा रहे हैं, तो भयानक विनाश देखा। फिर परमात्मा ने इशारा दिया, उठो जागो, विश्व इस कलयुग की दुनिया का महाविनाश निकट भविष्य में खड़ा है, अब उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना। तो कल्याणकारी कार्य में शिव बाबा ने उसको निमित्त बनाया, फिर बाबा निमित्त बन गया। निमित्त का आज झार आप सभी देख रहे हो, इतने बड़े बड़े भवन तब तैयार हुए जब बाबा के इतने बच्चे बन गए, हजारों में 10,000 विदेश वाले आते हैं तो ये हाल फुल विदेशों से 4 महीना, देश वालों के लिए तो फिर इस सीजन में सब चालू हो जाते हैं, फिर हर प्रकार से योग के, ज्ञान के, दाना के क्लासेस भी चलते रहते हैं, भाई बहने आते भी हैं और धारणा में चल करके बाबा के घर में रहते भी हैं, धारणा में चल करके टीचर के सर्टिफिकेट से पूरे वो यहाँ रह सकते हैं, बाकी फिर सेवा के लिए बैटरी चार्ज करके फिर चली जाती है सेवा में, तो सेवा में भी रहते हैं, सेवा से आते हैं तो यहाँ भी आकर के ये सेवा करते हैं, बाबा के बच्चे बन करके बाबा के घर को अपना घर समझ के चलते हैं, घर समझ के खाते हैं, घर समझ के पीते हैं, घर समझ के करते हैं, मांगने की चंदा चीरे की यहाँ बात नहीं, जो अपने स्वेच्छा से शिव बाबा के भंडारे में करते हैं वो तो अपना ही भंडारा समझते हैं, भंडारी भी हमारी है, हम बच्चों की है, हम जो कमाते हैं वो बाबा के यज्ञ में भी लगाते हैं, शरीर के ऊपर भी लगाते हैं और सेवा अर्थ भी काम करते हैं। इस तरह से बाबा का कार्य चल रहा है और निर्विघ्न, इस समय कोई विघ्न नहीं, बीच बीच में कभी कभी नई एरिया में कभी सेवा करते हैं तो लोग फिर नई सेवा नया ज्ञान सुन करके थोड़ा मचरते हैं, फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो संपर्क में आ जाते हैं, नस्तिक आ जाते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज दाना करते हैं, फिर वो बदल जाते हैं। तो अभी निर्विघ्नता से ये बाबा का कार्य देश में तो क्या, पर विदेश में भी फुल फोर्स में चल रहा है, विदेश के हर बड़े देश के अंदर हमारा ये कार्य होगा और भारत के कोने कोने में माना गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, अभी सभी गांवों को कवर नहीं किया है लेकिन पहुंच रहे हैं। लक्ष्य ये है कि थोड़े समय के अंदर सब गांव तक ये आवाज पहुंचे, क्योंकि मौत का समय समीप है और सत्युग की स्थापना का कार्य परमात्मा ने चालू कर दिया, तो जिनको सत्युग में चलना होगा उसको तो ज्ञान योग चाहिए, पहले बीज पर आ रहे, कभी भी किसी का विनाश हो सकता है, कभी भी शरीरों का नाश हो सकता है, तो ये स्थापना का कार्य हमने आपको बताया कि शिव बाबा का कार्य है, ब्रह्मा के थ्रू हो रहा है, हम ब्राह्मण बच्चे हैं जो बाबा के कार्य में अपने तन मन धन से सेवा करते। ओम शांति। अभी आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हाँ कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं छोटा मोटा। ओम शांति। ओम शांति। किन शब्दों में आदरणीय दादी जी का शुक्रिया करें, आभार करें, हमें यज्ञ की नींव से लेकर और आज वट वृक्ष की भांति विश्व में फैले हुए वृक्ष का दर्शन आदरणीय दादी जी ने हम सबके समक्ष रखा।